तो ये दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम इस टाइम पे अयोध्या में हैं और इस टाइम पे अयोध्या पे जो है घरों को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे जो है सड़कों को चौड़ा करने का जो है काम किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं घरों के जो मलबे हैं यहाँ पर कैसे गिराए गए हैं, कितना ज़्यादा मात्रा में जो यहाँ पर जो है मलबे यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पर वर्कर्स लगे हुए हैं इसको तोड़ने के लिए, ईंटों को तोड़ने के लिए, फिर उसमें से जो है सीमेंट निकालने के लिए, सरिया उसमें जो लगा है उसको भी निकालने के लिए यहाँ पे जो है मजदूर लगे हैं। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े जो घर थे उन सबको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो सब जो है रोड के बीच में आ रहे थे, रोड जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनने वाला है, इसी वजह से इतने सारे घरों को तोड़ा जा रहा है। आप लोग घरों का नज़ारा देखिए, हम लोग लाइव अपडेट आपको दिखा रहे हैं। ये है दिसंबर लास्ट की तस्वीरें जो कि अयोध्या से आप लोग इस टाइम पे देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर देखिए मलबा बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इतना ज़्यादा जो मलबा गिराया गया है। कितनी बड़ी बिल्डिंग है उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह से तोड़वा दिया गया है और मलबा करीब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा है। यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ही उड़ रही है क्योंकि जो है घरों को तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उड़ रही है। अब आपको इसकी जो तस्वीरें मिलेंगी बनी हुई, लाइव अपडेट जो इसके बाद होगा यहाँ पे जो कार्य का होगा कुछ महीनों के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा पूरा। जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है घरों को तोड़ने के लिए, लेबर को आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। इस घर को अगर आप ध्यान से देखिए तब आप अनुमान लगा सकेंगे कि आखिर कितना मेहनत से इसको तोड़ा गया है, थोड़ी सी चूक इनका पूरा घर गिर सकता था, लेकिन फिर भी इतना नुकसान जो है हुआ है। पता नहीं क्या इनको मुआवजा मिला होगा या नहीं, कोई पता नहीं है, ये तो सरकार ही बता पाएगी और यहाँ के लोग बता पाएंगे। यहाँ पे ट्रक जो है लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े ट्रक लगे हुए हैं ताकि जो उनका मलबा हो उसको धोकर तुरंत हटाया जाए, जिससे कि यातायात में जो यहाँ पे गाड़ी आ रही है उनको आने जाने में परेशानी ना हो। बहुत ही मेहनत से इस काम को करना पड़ता है और जो है घरों को तोड़ा जा रहा है, तो बहुत ही मेहनत और मशक्कत इसमें लगती है। हम लोग इस टाइम पे जस्ट लता मंगेशकर चौक के जस्ट थोड़ा आगे हैं और यहाँ पर जो है मकानों को तोड़ा जा रहा है। पूरा काम आप देखेंगे हनुमानगढ़ी तक आपको देखने को मिलेगा और सभी जगह ऐसी इमारतें थी। Thank you.